जब से देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ है, लोग बड़े बड़े खर्चों से बचते नजर आ रहे हैं। किसी भी खर्च से पहले लोग चार बार सोचते हैं और इसका सीधा असर हो रहा है व्यापारियों पर और छोटी छोटी दुकानों पर। पर क्या खाने पीने के भी इस पर कुछ फर्क पड़ा है? ये जानने के लिए चलते हैं हम कुछ दुकानों पर और पूछते हैं कि क्या इसके लिए उन्होंने कुछ नए इंतजाम किए हैं, क्या इससे उनके बिजनेस पर असर पड़ा है। नोटबंदी का असर तो बहुत पड़ा है, कार्ड और पेटीएम शुरू करना पड़ा हमको उसके चलते। जो पेमेंट कैश से होता था वो कार्ड और पेटीएम के थ्रू कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं। इतना बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बाकी हाँ ये जो मोदी जी का फरमान है कि प्लास्टिक मनी इस्तेमाल हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस चक्कर में थोड़ी तकलीफ पड़ रही है कस्टमर को जो कार्ड और पेटीएम यूज़ नहीं करते। अब उनका रुझान उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइन तो ऐसी है जिसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। आदमी भूखा तो रह नहीं सकता, एनी हाउ उसको कैसे भी यूज़ करना है। बिजनेस के ऊपर तो 20-25% 30% करीब फर्क पड़ा है। शुरू शुरू में कुछ ज़्यादा था और अभी 20-25% करीब देखने को मिल रहा है। और शहरी क्षेत्रों में तो जिसके पास पेमेंट नहीं है, जिसके पास मजदूरी नहीं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है। बाकी बैंकों में जो सामान्य प्रक्रिया चल रही है। बड़े नोट अगर किसी को मिलते भी हैं तो छोटे नोट उपलब्ध नहीं हो पा रहे, वो समस्या भी एक लोगों को समझ में आ रही है। जब हमने देखा कि समस्या बढ़ रही है, धंधे पर असर पड़ रहा है, तो हमने फिर ये स्टार्ट की व्यवस्था करी। को स्टार्ट करने के बाद में 20-25% का फर्क तो है, इसमें केवल 10-15% लोग ही कर पाते हैं, जिनके पास जो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके पास सब व्यवस्था है, वो कर पाते हैं। बाकी जनरल लोग नहीं कर पाते उसको। लोगों के हिसाब से तो सही है, पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से, लेकिन छोटे लोगों के हिसाब से तो फिर भी उचित नहीं है, क्योंकि मजदूरी तो उनको करनी है ना। उनको जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा जब तक काम कैसे चलेगा। नोटबंदी के काफ़ी असर हुआ, आधा फर्क पड़ गया बिजनेस में, कि बड़े नोट आएंगे छोटे नोट मिल नहीं पा रहे। अब ये कार्ड एटीएम से लोग निकाल रहे हैं पेमेंट, थोड़ा इसमें धंधे में सुधार आया। इससे मशीनें ज़्यादा आ गई है, कार्ड की मशीन, पेटीएम मशीन आ गई, उसके बाद धंधा थोड़ा पिकअप करा। नहीं, कदम तो बहुत अच्छा है, सराहनीय कदम है, तो थोड़ी दिन तकलीफ पड़ेगी, आगे चल के उसका उपयोग नहीं होगा, फ़ायदा होगा सबको। नोटबंदी से हमारा जो अभी जो चल रहा था उससे बहुत परेशानी आ रही थी, पुराने नोट बिल्कुल बंद हो गए, इसलिए हमने पेटीएम लगवाया। पेटीएम से हमारा थोड़ा बहुत बिजनेस चलने लग गया और नोट भी आने लग गया। अब सुविधा ये है कि लोगों के पास में खुला पैसा नहीं है तो अब क्या करें, इसलिए पेटीएम से वो पेमेंट कर देते हैं। हमको निर्णय बहुत अच्छा है, आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों को भी सुविधा हो जाएगी इससे। तो हमने देखा कि नोटबंदी के साथ ही यहाँ के दुकान वालों ने खुद को पेटीएम और स्वाइप मशीन से अपडेट कर लिया है। हालांकि फिर भी बिजनेस पर इसका असर तो पड़ा है, फिर भी इनका कहना है कि वक्त के साथ हालात सुधर जाएंगे। फिलहाल जहाँ स्वाइप मशीन और पेटीएम चल रहे हैं, वहाँ स्वाद प्रेमी राहत महसूस कर रहे हैं।